नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। मैं अशोक कुमार एमएस वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। लास्ट सेशन में हमने सीखा था होम टैब के अंदर हमने दो सेटिंग सीखी थी, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के बारे में। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा है कि फॉन्ट की सेटिंग्स हमने कैसे की थी, क्लिपबोर्ड की सेटिंग्स कैसे की थी, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का हमारा पैराग्राफ है, तो चलिए आगे फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। तो पैराग्राफ की सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पैराग्राफ, और जैसा कि मैंने बताया था एमएस वर्ड के अंदर एक डिफॉल्ट पैराग्राफ आपको दिया जाता है। उसके लिए कमांड है इक्वल रैंड ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर। तो ये पैराग्राफ आपके सामने आ गया। अब यहां से इनकी स्पेस को हमें सेट करना है। आप ये देखिए, राइट साइड से जो स्पेस है, ये लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई, ये यहाँ पे हो गई, ये स्पेस अप डाउन आपको दिखाई दे रहा है। तो पैराग्राफ का जो लुक है वो काफी अजीब सा हमें देखने को मिल रहा है। तो इन स्पेस को सेट करने के लिए हम अलाइन करते हैं पैराग्राफ को। और यहाँ पे अलाइनमेंट की अगर बात करें तो चार प्रकार का अलाइनमेंट आपको देखने को मिलता है। पैराग्राफ कहाँ कहाँ से अलाइन हो सकता है? लेफ्ट से अलाइन हो सकता है, राइट से अलाइन हो सकता है, सेंटर से अलाइन हो सकता है, या फिर जस्टिफाई हो सकता है। ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं लेफ्ट से अलाइन है। अब राइट से अगर अलाइन करना है तो आप राइट पे क्लिक कीजिएगा, ये राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट से जो भी स्पेस है वो ऐसे ही रहेगी। फिर थर्ड आता है सेट, सेंटर में आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, तो लाइन आपकी सेंटर में आ जाएगी। और फोर्थ आता है आपका जस्टिफाई। तो कंट्रोल प्लस ए से मैंने कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूं। अब आप गौर से देखेंगे, यहां से पर्टिकुलर यानी जो लाइन है वो सब इक्वली सेट हो चुकी है, जितने भी स्पेस है वो एडजस्ट हो चुकी है। तो ये चार आप अलाइनमेंट आपने देखे। इन चारों अलाइनमेंट का शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट का बेनिफिट क्या होता है? अगर आपको शॉर्टकट्स याद है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप कंप्यूटर में बहुत वर्क फास्ट कर पाते हैं, जितना टाइम आपको माउस में लगता है, अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट याद हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका काम। तो इन चारों का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट की, लेफ्ट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट है वो आपका रहेगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट। राइट अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस आर, ये राइट का अलाइनमेंट है। अगर आपको सेंटर का अलाइन करना है, कंट्रोल प्लस ई। और अगर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे। ये आपके चार शॉर्टकट है। इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्पेस। स्पेस किसके बीच में? लाइनों के बीच में या फिर पैराग्राफ के बीच में? अगर आपको स्पेस सेट करनी है तो वो आप अप डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट किया मैंने, यहां से स्पेस लाइनों के बीच में 1.5 सेट किए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस का मार्जिन प्लस कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए कि कहाँ पे कौन सी सेटिंग अप्लाई हो पा रही। अब देखो, तीन पैराग्राफ के अंदर हमने सेट किया। फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर मैंने लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो 1.15, सेकेंड पैराग्राफ में 1.5 का इम्प्लीमेंट किया हमने, और थर्ड वाले पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले पैराग्राफ पे हमने और ज्यादा स्पेस लिया है। आप तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है? ये तो वह लाइनों के बीच में स्पेस। एक आता है आपका पैराग्राफ के बीच में स्पेस। इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस आप देखेंगे, यहां से अगर इसके बीच में आपको अप डाउन करना, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस एड करना है आपको, तो वो कर सकते हैं। या फिर पैराग्राफ के बाद में आपको स्पेस ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद में स्पेस और पैराग्राफ के पहले स्पेस, जो भी आपको ऐड करना है।
अगर आपने स्पेस ऐड की है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखेंगे, पहले हम स्पेस ऐड कर चुके हैं, अब यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्पेस पैराग्राफ के बीच में, अगर आपको देनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग एक ऑप्शंस गिवन है। अब देखो, यहां से तो एक डिफॉल्ट जो सेटिंग्स थी, आपने स्पेस को इंक्लूड किया है पैराग्राफ से पहले और बाद में। अब कितना है ये अपने अकॉर्डिंग भी, बिफोर में आप कितनी स्पेस ऐड करना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, लास्ट में कितनी देना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो स्पेस का जो एरिया है, कितना कवर करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेट, यानी बैकग्राउंड वगैरह अगर पैराग्राफ पे आपको सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर वगैरह जो भी आप बैकग्राउंड में फिल करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। कुछ मोर कलर्स हैं यहाँ पे गिवन, यहाँ से जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में सेट करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, मोर कलर, अगर कोई फेवरेट कलर यहाँ पे नहीं, कोई पर्टिकुलर आप चूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो वो कलर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी सेट कर सकते हैं। अब फिर आता है पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर आपको अप्लाई करना है, बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बॉर्डर की अगर बात करते हैं, बॉर्डर बॉटम पे लगाना है। आप गौर से देखिएगा, फर्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गया है, यानी बॉर्डर आपको कहाँ लगाना है ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने बॉटम पे लगाया पैराग्राफ, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको बॉटम नहीं चाहिए, टॉप चाहिए, तो आप टॉप ले सकते हैं, टॉप बॉटम आप क्लिक करते जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ये आ गया टॉप। अगर दोबारा से अब मैं क्लिक करता हूँ तो टॉप का बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाएगा टॉप पे क्लिक करने से। ठीक है, लेफ्ट पे इंप्लीमेंट करना है लेफ्ट, राइट पे करना है राइट। ठीक है, अगर ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ उसको रिमूव करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑल बॉर्डर, यानी चारों ही साइड आपको बॉर्डर मिल जाए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ बॉर्डर्स आपको गिवन है तो आप यहाँ से बॉर्डर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ टेबल से रिलेटेड है वो नेक्स्ट टाइम में हम सीखेंगे, टेबल वगैरह आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर कुछ और ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पैराग्राफ के अंदर, एक नया फ्रेश पेज ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ से कुछ न्यू पेज पे एक नया पैराग्राफ हम लेके आते हैं, रैन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेट या फिर डॉट फॉर्मेट। डॉट यानी बुलेट आपको लगानी है तो पैराग्राफ से पहले बुलेट लग के आ जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नंबर्स की तो आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो नंबर यहाँ से इंप्लीमेंट होकर मिल जाएगा आपको। फिर तो कुछ सब हेडिंग्स वगैरह, अगर पैराग्राफ में सब हेडिंग वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर लीजिएगा, यहाँ से सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडेंट, यानी जो ये स्पेस आपको दिखाई देगी, इस स्पेस को आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना तो आप इंडेंट की हेल्प से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, यानी स्पेस जो अप डाउन करनी है आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, जितने भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले। नेक्स्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्या असेंड करना आपको, क्या डिसेंडिंग करते हैं। सपोज कीजिए कुछ नंबर में टाइप कर लेते हैं पहले रेंडमली, ये कुछ नंबर्स मैंने टाइप किए हैं। अब इन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, अरेंज दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग। अगर मैं क्लिक करता हूं असेंडिंग तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ जाएगा। असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर यहां से आपको डिसेंड नंबर लेना है तो डिसेंडिंग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है,
पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 100। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको अरेंज करना है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग। तो आज के इस टॉपिक में हमारा इतना ही रहेगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।